Now let us take some more examples for the conversion of the regular expression to the finite automata. Let's pick this one. So is ye bada interesting hai aur isko is pe hum kuch identities bhi apply kar sakte hain. Aur isliye maine is question ko pick kiya hai. So this is BAB whole closure plus A plus B whole closure and its closure and then AB closure. सुनो इस वाले पार्ट पे आप एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. ये क्या बता रहा है कि अगर आप बी ए बी को पी मान लें और क्यू मान लें आप ए प्लस बी को, तो आपको पता है कि जो पी प्लस क्यू का होल क्लोजर होता है इसको ऐसे राइट किया सकता है कि पी क्लोजर प्लस क्यू क्लोजर एंड क्लोजर. दिस इज एज पर द आइडेंटिटी. सो हम ऐसा यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो अंदर वाले क्लोजर है उनको हम हटा सकते हैं. तो हमने जो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका फाइंड किया दैट इज ए प्लस बी प्लस सी ए एंड उसके बाद कॉन्कैटिनेशन है बी ए बी प्लस ए प्लस बी एंड इसका क्लोजर एंड आगे है ए बी का होल क्लोजर. सो ये बहुत ही सिंपल सा मशीन फाइनाइट मशीन फाइनाइट स्टेट मशीन हमारा बनने जा रहा है. कंपोनेंट्स हम जस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ऐसा दिखता है कि ये पार्ट एक ब्रैकेट में सॉरी, तो ये वाला पार्ट एक पार्ट हो गया जो कि इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो रहा है और ये वाला पार्ट इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो रहा है. तो आइए इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं. तो तीनों पार्ट्स कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं इसलिए हम एक इनिशियल स्टेट बना लेते हैं और उसके बाद फिर इन सभी के साथ ए प्लस बी प्लस सी ए एंड देन बी ए बी प्लस ए प्लस बी एंड इट्स होल क्लोजर एंड देन ए बी का होल क्लोजर. इससे हम एक फाइनल स्टेटमेंट पहुंच जाते हैं. फर्दर इसके बाद ये तीन कंपोनेंट्स हैं एक दो तीन, इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं. और पहला पार्ट कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी ए, देन इसके बाद क्लोजर है. तो हमने हमें पता है कि क्लोजर को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, एप्सिलॉन का यूज कीजिए इसमें. सो यहाँ पे हो गए बी ए बी और प्लस ए प्लस बी, इससे हमारा क्लोजर बन रहा है. देन एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप नई स्टेट पहुंच सकते हैं और यहाँ पे एक अगेन क्लोजर है दैट इज यूजिंग दी ए बी एंड फाइनल स्टेट पहुंचने के लिए आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन लगा दीजिए दैट विल लीड अस यू टू फाइनल स्टेट. फर्दर इसको एक्सपैंड करते हैं और इनिशियल स्टेट से आगे जाने वाले ट्रांजिशन में प्लस लिखा है, इसका मतलब कि तीन अलग अलग रास्ते बनेंगे. एक होगा ए जो कि इस स्टेट में लेके जाएगा, एक होगा बी जो कि मुझे इस स्टेट में लेके जाएगा और एक होगा सी ए जो कि मुझे इस स्टेट में लेके जाएगा. फर्दर यहाँ एप्सिलॉन है और यहाँ पे बी ए बी और ए प्लस बी है. सो दो अलग अलग, अगर वैसे हम दो पार्ट इसको मान लें, सो एक पार्ट ये कह रहा है कि ए बी ए बी वाला और एक ए प्लस बी से क्लोजर. सो ए प्लस बी वाला ऊपर बना ले, ए प्लस बी का सिंपल सा मीनिंग है ए और बी. ये वाला पार्ट मेरा बी ए बी वाला है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे. देन हम एप्सिलॉन से नेक्स्ट स्टेट में पहुंचते हैं. यहाँ पे ए बी है सो ए बी एक साथ नहीं दिखाया जा सकता, तो हम एक मीडिएटर स्टेट इसमें ऐड कर सकते हैं एंड देन एप्सिलॉन से आप फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं. नाउ अब हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन और करना है, इसको हम इसी में दिखाने की कोशिश करते हैं. पहले सी ए वाला पार्ट है, सी ए वाले पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सी से नेक्स्ट स्टेट एंड देन ए से नेक्स्ट स्टेट. देन ये बी ए बी वाला पार्ट है, इसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं. तो इसको हम दो मीडिएटर स्टेट ऐड करके कर सकते हैं, सो बी एंड देन ए एंड देन बी. So this completes the finite automata for the given regular expression. एक सिंपल सा और है उसको भी हम देख लेते हैं. Let's say we have this one. So this is very very simple. 0 plus 1 star 0, 0 plus 1 star 0 and 0 plus 1 whole star. हम एक काम करते हैं कि फ्री स्पेस बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. और यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट होगा जो कि मुझे फाइनल स्टेट में लेके जाएगा और दिस इज जीरो प्लस वन क्लोजर जीरो
0 plus 1 closure, 0 and 0 plus 1 closure. So this is the initial state. So yahan pe kitne components hain? We have 1, 2, 3, 4, 5 components. So chuki ye 5 components hain, isliye पहला वाला जो पार्ट हमारा है वो एक क्लोजर है, तो हम एप्सिलॉन से एक नई स्टेट में पहुंचते हैं जहां पे 0 प्लस 1 का क्लोजर हमें दिखाना है। तो 0 प्लस 1 का मतलब है 0 और 1, इसके बाद ट्रांजिशन 0 से है। देन इसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टेट पहुंचते हैं जहां पे वंस अगेन एक क्लोजर है, तो क्लोजर के लिए हम यूजली एप्सिलॉन का यूज करते हैं, हालांकि अगर आप नहीं भी यूज करना चाहें तो यहाँ पे वर्क करेगा। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 या 1 से ट्रांजिशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 0 से ट्रांजिशन है जो कि मुझे स्टेट पे लेके आता है, और अगेन यहाँ पे 0 और 1 से ट्रांजिशन है, 0 और 1 से क्लोजर है। आप चाहें तो इसी को फाइनल स्टेट बना सकते हैं, या फिर आप एक एप्सिलॉन का यूज कर लें और इस स्टेट को आप फाइनल स्टेट बना लें। सो दिस इज दी फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दी गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, इनिशियल स्टेट पे ही आप 0 और 1 का ट्रांजिशन करा सकते हैं सेल्फ लूप में, देन 1-0 से आप नेक्स्ट स्टेट में पहुंच सकते हैं, देन इसमें 0 एंड 1 से ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, देन 0 से आप नेक्स्ट स्टेट में मूव करेंगे और यहां पे आप 0 1 से ट्रांजिशन दिखाएंगे, एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, यू कैन मेक आइदर ऑफ देम, बट इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इट इज प्रेफरेबल टू डिजाइन विद द एप्सिलॉन। So thanks for watching this video. We will meet again with a new concept.